सच में हम सबकी कहानियाँ एकदम अलग हो सकता है अगर हम हमारे लाइफ में एक ही डेफिनेट मकसद को लाइफ का एम बना ले। हम सब ये जानते हैं कि अगर हम लोगों में से कोई भी एक बार सोच ले कि उनके लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद है, जैसे कि समझ लो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने पूरे जिंदगी को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, कोई एक डेफिनेट मकसद को चूज नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि हम सबकी पोटेंशियल एक होने के बावजूद भी हम लोग में से 90% से ज्यादा लोग कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग अपनी पोटेंशियल को एक से ज्यादा चीजों में लगाते हैं और एंड में किसी में भी कुछ खास नहीं कर पाते। बाकी के जो 10% लोग हैं, वो लोग जब तक उन लोगों का कोई एक मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक अपने पूरे पोटेंशियल को एक ही चीज में लगाते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर जाते हैं। और ये जो 90% लोग है, इन लोगों का बेटर ऑप्शन ढूंढने का टेंडेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है जब भी उन लोगों को किसी भी काम में डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है या फिर कोई टेम्पररी फेलियर फेस करना पड़ता है। और ऐसे में ये लोग अगर कोई बेटर ऑप्शन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पहले को छोड़ के नया वाला करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से इन लोगों का कितना बड़ा नुकसान होता है उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए इस चैप्टर में ऑथर नेपोलियन हिल ने एक सच्ची कहानी बताई है। कहानी है आरयू डार्बी के एक अंकल के बारे में। वो गोल्ड रश के टाइम पे सोना पाने की लालच में एकदम पागल जैसे हो गए थे। फिर सोने का खजाना ढूंढने के लिए वैसे एक जगह पर जाकर मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक हफ्ता लगातार काम करने के बाद ठीक जब वो सोने के खजाने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर थे, उन्होंने खोदना बंद करने का डिसीजन ले लिया और मिट्टी खोदने के लिए उन्होंने जो सब मशीन खरीदे थे वो सब एक भंगार वाले के पास में बेच के घर वापस चले आए। कुछ भंगार वाले थोड़े से बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये उन लोगों से अलग था। इसने क्या किया, एक माइनिंग इंजीनियर को बुला के वहां का सॉयल का टेस्ट कराया। इंजीनियर ने टेस्ट करके बोला, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और 3 फीट खोदने से ही सोने का खजाना बाहर आना चाहिए। भंगार वाले ने खोदा और ठीक वही जगह पर उसको सोने का खजाना मिला। तो अगर हम ध्यान से देखें, वो आदमी और इस भंगार वाले में सिर्फ एक ही डिफरेंस था। वो आदमी क्विट करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट का राय लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन इस भंगार वाले ने क्विट करने से पहले एक बार कोई एक्सपर्ट का राय लेना जरूरी समझा और यही एक सोच उसको अमीर बना दिया। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सच में कोई भी आदमी थिंक एंड ग्रो रिच हो सकता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेना शुरू करते हैं और फिर जब कुछ गवर्नमेंट जॉब देने के बाद क्रैक नहीं कर पाते तब कोई भी प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। कौन बोल सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट और एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम अगर वो दे देते तो उसमें ही वो क्रैक कट जाते, या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता था। लेकिन क्विट करने से पहले उनको एक बार कोई एक एक्सपर्ट का राय लेना जरूरी था, ना कि ऐसे एक फ्रेंड से राय लेना जो खुद गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इस चैप्टर से हम सबको जो जो आइडियाज मिले वो है, एक, एट ए टाइम हमेशा जिंदगी में एक ही डेफिनेट पर्पस रखना चाहिए। दो, कभी भी क्विट करने से कम एक बार एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।